हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा रखता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से मैं मस्त हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप मोबाइल फोन में गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और आप उसमें दोस्तों बहुत सारे वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, ओपन करते हैं अपने काम के अनुसार, तो दोस्तों आप अगर किसी को मोबाइल फोन देते हैं, अपने बच्चे को या तो घर वाले को या तो किसी दोस्त को, किसी को अगर आप मोबाइल फोन देते हैं तो उसे दोस्तों अगर आप क्रोम ब्राउजर में जाकर वो अपना आप जितने भी वेबसाइट में आप इस्तेमाल किए हैं, क्या क्या किए हैं, सारा चीज आपका गूगल क्रोम का हिस्ट्री में जाके वो देख लेता है। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप दोस्तों गूगल क्रोम का हिस्ट्री जो परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं ऑल टाइम के लिए। दोस्तों अगर आप कुछ भी इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर के द्वारा, तो दोस्तों आप उसे अगर तुरंत डिलीट कर देंगे क्रोम ब्राउजर के द्वारा जाके, वहाँ पे जो हिस्ट्री दिया गया है उसे आप डिलीट कर देंगे, तो आपका आप क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या सर्च किए हैं अपने गूगल क्रोम में, वो दोस्तों अगला आदमी को नहीं पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन में आ जाना है, उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। मैं भी ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों अभी यहाँ पे इस तरह इसको बैक कर देता हूँ, यहाँ पे हम कुछ अभी सर्च किए थे, इस तरह से इंटरफेस पर खुल के दोस्तों आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको जो इसका हिस्ट्री डिलीट करना है, यहाँ पे देखिए थ्री डॉट दिख रहा है। ठीक है, प्रोफाइल के बगल में इधर देखिए लास्ट में थ्री डॉट दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस पर खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिस्ट्री, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा दोस्तों यहाँ पे सारा चीज शो कर रहा है, देख सकते हैं टुडे में हम क्या क्या मतलब आज जो हम क्या क्या सर्च किए अपने गूगल क्रोम में, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 31 जुलाई को मैं क्या किया हूँ, सारा चीज यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, इसे देख सकते हैं। तो इससे दोस्तों क्या होता है कि हमारा कोई भी अगर मोबाइल फोन लेता है तो हिस्ट्री जाकर चेक कर सकता है कि हम क्या क्या वेबसाइट में सर्च किए हैं और क्या क्या हमें काम किया हूँ। दोस्तों आपको इसके ब्राउजर को पूरा क्लियर करना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लियर ब्राउजिंग डाटा। ठीक है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइम रेंज बता रहा है लास्ट ओवर। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है लास्ट ओवर पर, और यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ऑल टाइम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको फर्स्ट बार जिसमें करते होंगे तो इसमें अनटिक लगा होगा। ठीक है, आपको सब पर जो सो टिक लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा अनटिक पहले से लगा हुआ है, आपको अनटिक होगा सब पे तीनों पर, यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे देखिए क्लियर डाटा लिखा हुआ। ठीक है, सिंपली आपको पहले यहाँ पे ऑल टाइम करके टिक करके यहाँ पे क्लियर डाटा पे आपको सिंपली पहले क्लियर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा क्लियर ब्राउजिंग डाटा बता रहा है, प्लीज वेट, कुछ देर वेट करना है आपको। वेट करने के बाद तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, आपको फिर से आपको नहीं करना है, आप जो कट का निशान दिया आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है, और फिर से दोस्तों स्थिर रूट में जाना है आपको, फिर से हिस्ट्री पे जाना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह से हमारा देखिए यहाँ पे सारा चीज जो हम जितना चीज विजिट किए थे, जितना चीज हम सर्च किए थे, वो सारा चीज यहाँ से हट गया। दोस्तों आप इसी तरह अगर करके रखेंगे तो आपको कोई नहीं पता कर सकता कि आप अपने कौन ब्राउजर में क्या क्या सर्च किए हैं, कौन कौन से वेबसाइट में काम किए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे है कि कुछ छुपाना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप वो अगर हिस्ट्री डिलीट नहीं करना चाहते तो उसका घर में सभी को पता चल जाता है कि आप क्या क्रोम ब्राउजर में सर्च किए हैं, और नोटिफिकेशन अगर इनेबल कर देता तो नोटिफिकेशन भी आ जाता है। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक फोन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो, तब तक के लिए।